एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके परिवार में किसी को राजनीति का र तक नहीं आता था। बचपन गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा था और मन में भारत मां के लिए था सच्चा प्रेम। जीवन ने उनके सामने जो भी परिस्थिति रखी, वे उसमें से खुद को ढालते चले गए। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचनी हो, या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या, या फिर बड़े होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी, मोदी जी का एक ही लक्ष्य था, सेवा। और जब पार्टी ने मोदी जी को गुजरात की बागडोर सौंपी तो वो जुट गए अपने लक्ष्य सेवा की पूर्ति में। एक निष्ठ भाव से सेवा का ही परिणाम था कि एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, गुजरात प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों, दिया जलाना कहां मना है। अब समय था भारत का भाग्य बदलने का और उस संकल्प की पूर्ति का जिसके लिए जनता ने 2014 में देश की बागडोर सौंपी श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। मां भारती की सेवा में तन मन और जीवन कैसे अर्पित किया जाता है, गरीबों की सेवा कैसे की जाती है, अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, देश की असंख्य जरूरतों की पूर्ति कैसे होती है, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। भारत मां के सच्चे सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की धमक। यही वजह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले से भी ज्यादा समर्थन के साथ जनता ने देश की कमान श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी है। और अब मोदी जी का लक्ष्य है देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परमानेंट व्यवस्थाओं के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। जिसके दिल में बस जनता की सेवा और उसका ही हित सर्वोपरि हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की पूर्ति की चिंता हो, ऐसे सच्चे सेवक का इतिहास रचना निश्चित है। मां भारती के सच्चे सपूत और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत,